हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जानते रहिएगा, ये हमारा जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9 है, जिसमें अगेन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मारा गया था। तो जानते रहिएगा, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के जिस शहर में मारा गया था वो शहर है बिलाल। और बिलाल दिखाया है, ऑप्शन नंबर दिखाया है बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ओसामा बिन लादेन को, जो कि 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के शहर में मारा गया था, उस शहर का नाम क्या था? बिलाल था, ये आपको याद रखना है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। देखिए, ऑप्शन ए में आया है कैंसर, ऑप्शन बी में है दृष्टि वैषम्य में आया है, ऑप्शन सी में है गुर्दे की खराबी, ऑप्शन डी में है गठिया। तो जानते रहिएगा, जिस रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है वो है गुर्दे की खराबी। और गुर्दे की खराबी दिखी है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखाया है सी में, तो हमारे यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जिस रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है वो रोग कौन सा है? गुर्दे की खराबी है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाएंगे थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो जानते रहिएगा, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से जिसका गहन अध्ययन या सर्वेक्षण किया जाता है वो है ब्लैक होल, जिसे आप कृष्ण वीवर कहते हैं। और कृष्ण वीवर या ब्लैक होल की बात दिखी है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से जिसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है उसे हम ब्लैक होल कहते हैं, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं कृष्ण वीवर, इसलिए हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो जानते रहिए, मानव शरीर में जो कंठ होता है, कंठ को हम बोलते हैं वॉयस बॉक्स। और वॉयस बॉक्स दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव शरीर में जो कंठ होता है उस कंठ को ही हम बोलते हैं वॉयस बॉक्स, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब इसमें सभी पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ऑप्शन सी में है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। और ऑप्शन डी कह रहा है पानी एक मूल तत्व है। तो जानते रहिएगा, इस हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, इसलिए हमारे यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी कि पानी जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है, या यूं कहें कि आईएमओ का फुल फॉर्म क्या है। तो जानते रहिएगा, आईएमओ का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मैरिटिमो ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होता है आया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होता है, ये फुल फॉर्म है किसका? फुल फॉर्म है आईएमओ का। तो आईएमओ को हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा क्या है? फुल फॉर्म है आईएमओ, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे सेवन नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जानते रहिएगा, जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विराट कोहली को, वो किया गया 2013 में, और 2013 दिखाया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से जिस वर्ष सम्मानित किया गया था वो वर्ष कौन सा था? 2013। फिर देखिए, आ जाएंगे एट्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। तो जो भारतीय मूल की जो कल्पना चावला थी वो अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। तो जानते रहिएगा, भारतीय मूल की कल्पना चावला जो थी वो गई थी
कोलंबिया यान से, और कोलंबिया दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में गई थी वो कोलंबिया यान से गई थी, उस यान का नाम क्या था, उस यान का नाम था कोलंबिया, ये आपको याद रखना है। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पे आया है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला, ये जानते कल्पना चावला जो है ये पहली जानते रहेगा भारतीय मूल की महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी, ये जानते रहेगा ये थी भारत की लेकिन जो मूल निवासी बन गई हैं अमेरिका की, तो जो भारतीय मूल की कल्पना चावला जो है ये अमेरिकी नागरिक थी, और चूँकि भारतीय मूल की थी तो हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय मूल की जो पहली महिला जो है अंतरिक्ष में गई थी वो कौन थी, कल्पना चावला। लेकिन अगर क्वेश्चन ये जाए कि दूसरी महिला कौन है, तो जानते रहेगा भारतीय मूल की दूसरी जो अमेरिकन नागरिक हैं जो अंतरिक्ष में गई थी, तो भारतीय मूल की जो दूसरी जो नागरिक थी वो कौन थी, ये थी सुनीता विलियम। जानते रहेगा भारतीय मूल की जो महिला जो थी वो दूसरी कौन थी, सुनीता विलियम। अगर पहला पूछता है तो पहला रहेगा आंसर हमारा कल्पना चावला, और दूसरे अगर बात करें दूसरे कौन थी, सुनीता विलियम थी। आपको याद रखना है कि सुनीता विलियम जो है भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी नागरिक हैं जो अंतरिक्ष में गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीराकुंड जलाशय किस नदी, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है, तो जानते रहेगा हीराकुंड जो जलाशय है इसका निर्माण किया गया है महानदी, और महानदी दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हीराकुंड जलाशय या हीराकुंड जलाशय है या बांध है, बात एक ही है, हीराकुंड बांध या हीराकुंड जो जलाशय है इसका महानदी पर निर्माण किया गया है। और याद रखना है ये है कहाँ पे, तो ये आपका है उड़ीसा में, तो ये भी आपको याद रखना है कि हीराकुंड जो आया है, हीराकुंड जो बांध या जो ये आपका जलाशय है ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। और ये सबसे लंबी नदी बांध है, जानते हैं सबसे लंबी नदी का बांध है, ये भी आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध जो है, अगर क्वेश्चन आता है सबसे लंबी नदी का बांध कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा हीराकुंड बांध। अगर आता है हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो वो है उड़ीसा राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे टेंथ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, तो जानते रहेगा भारत की उस जिस अधिकारी का चुनाव जो आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है वो है हमारे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जानते रहिएगा दास वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हाँ, अगर इसी तरह क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक शासक संस्थापक कौन था, तो जानते रहिएगा गुलाम वंश का वास्तविक शासक जो संस्थापक था वो कौन था, इल्तुमिस था, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि गुलाम वंश का वास्तविक शासक जो था संस्थापक वो कौन था, तो वो कौन था, इल्तुमिस था। और अगर आता है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, गुलाम वंश का वास्तविक शासक संस्थापक कौन था, इल्तुमिस, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तान देखिए आया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जानते रहिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा, और भगत सिंह जी की देखिए बात आई है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। और एक चीज़ आपको याद और रखना है कि भगत सिंह जी की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है मेरा जेल डायरी, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो आपको ये याद रखना है मेरा जेल डायरी जो है वो भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है कि भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, मेरा जेल डायरी। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों कठिन है, क्योंकि देखिए ऑप्शन कह रहा है कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, या फिर यह अत्यधिक दूषित होती है, या फिर यह जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, या फिर यह लाल रंग की होती है, तो जानते रहिएगा इन सभी हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है। तो लाल मिट्टी में खेती करना क्यों कठिन होता है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आ जाएंगे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है, तो जानते रहिएगा ब्लीचिंग पाउडर का जो सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बार देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो होता है वो कौन होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 नंबर वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जानते रहिएगा वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और 6 की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। फिर देखिए आ जाएंगे 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, इसमें मतलब कि किस धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। देखिए ऑप्शन ए में है सिख धर्म और बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में है बौद्ध और जैन धर्म, ऑप्शन सी में है जैन और पारसी धर्म, ऑप्शन डी में है पारसी और सनातन धर्म। तो जानते रहिएगा त्रिरत्न की जिस धर्म में बात की गई है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की बात की गई है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न की बात की गई है। अब ये त्रिरत्न कौन कौन से ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं या कौन नहीं है, और ऑप्शन में एक मिसिंग दे देगा और उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रहेगा, तो आइए ये भी जान लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, देखिए बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं वो कौन से होते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो माने गए हैं वो माने गए धम्म, संघ और संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, धम्म हो गया, संघ हो गया और संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म, संघ और संस्थापक होते हैं। और जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के क्या होते हैं, त्रिरत्न हैं। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, धम्म, संघ और संस्थापक। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये हमारे क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन से धर्म के कौन संस्थापक हैं, दो चार नाम इसमें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कुछ धर्म और उसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं, जैसा आपको दिख रहा है। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, वो हैं गौतम बुद्ध जी। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, वो हैं महावीर जी, जो कि अंतिम तीर्थकर हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हैं, तो वो हैं महावीर जी। और देखिए आए सिख धर्म की अगर बात करें, सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक जी। और पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, वो हैं जरथुस्त्र। तो ये जानता है जर जो है, जरथुस्त्र जो है ये पारसी धर्म के संस्थापक है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि त्रिरत्न की अवधारणा जो मिलती है वो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में मिलती है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो धम्म, संघ, संस्थापक है। और जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब बात करें किस धर्म की किसने स्थापना की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जो कि अंतिम तीर्थकर थे, और सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक जी, और पारसी धर्म के जो हैं वो हैं जरथुस्त्र। ये आपको याद रखना है। फिर क्या आ जाएंगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, तो क्या कर सकते, जो ए बी जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है जो ए बी वाला होता है, या फिर ए बी जो पॉजिटिव होते हैं वो सार्वभौमिक रक्तदाता कहे जाते हैं, या फिर किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं, या फिर ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है और ना ही एक सार्वभौमिक है, या इनमें से इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर सही होगा ये आपको याद रखना। तो याद रखिएगा जो ए बी पॉजिटिव होते हैं, याद रखिए जो ए बी जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो याद रखिए किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं। और किसी भी वर्ग से रक्त लेने की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ए बी ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनके लिए जो सही कथन है वो क्या है कि ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप जिनका होता है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं। फिर के आ जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आय अध्ययन को के नाम से भी जाना जाता है, तो जो पृथ्वी का अध्ययन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जानते रहिएगा पृथ्वी के अध्ययन को जो जाना जाता है वो भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आया है, भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी। तो याद रखना है कि पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से हम जानते हैं। हाँ, अगर अदर ऑप्शन की बात करें कि अदर जो है ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है, देखिए पारिस्थितिक जिसे इकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जैव
जो आता है जैव और अजैव घटक का जो अध्ययन किया जाता है ये पारिस्थितिक या फिर इकोलॉजी में किया जाता है, और आचार शास्त्र या इथोलॉजी जिसे कहते हैं इसमें अध्ययन हम करते हैं मानव के आचार विचार व्यवहार नीति आदि, मतलब इंसानों से रिलेटेड उनके सोच विचार इन सारी चीज़ों का व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है आचार शास्त्र। और भूगर्भ हम जानते ही हैं इसमें पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना होती उसकी अध्ययन की जाती है। हाँ, अगर बात करें कि यहाँ बॉटनी में, तो बॉटनी में वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो किसके द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा एसी को डीसी में जो कन्वर्ट किया जाता है वो किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। और रेक्टिफायर देखिए है ऑप्शन यहाँ बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। को याद रखना है कि रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस जो है द्वारा वहन होता है या फैलता है, किसके द्वारा होता है, तो जानते हैं कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस जो होता है ये मच्छर द्वारा फैलता है। और मच्छर देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तुम्हारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिपिन चंद्र पॉल सहित तीन लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है, तो कह रहे हैं कि ये इनमें से अन्य दो लोग कौन है। इसका पहले तो विपिन चंद्र पॉल हो गए, तो कह रहे हैं दो लोग और जो पढ़ रहे हैं ये लाल और बाल कौन है, मतलब ये लाल बाल पाल जो बोला जाता है ये किन के लिए बोला जाता है, तो जानते रहेगा लाल बाल पाल जो बोला जाता है ये बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को बोला जाता है बाल, और लाल जो बोला जाता है लाला लाजपत राय जी के लिए बोला जाता है, जो कि देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहेगा लाल का मतलब हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है विपिन चंद्र पॉल। तो लाल बाल पाल का जो मतलब होता है यहाँ तीन इंसानों से इसकी बात ली जाती है स्वतंत्रता सेनानी, वो कौन है, पहले हो गए हमारे कौन लाला लाजपत राय, दूसरे हो गए बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे हो गए विपिन चंद्र पॉल। तो क्वेश्चन कह रहा था कि विपिन चंद्र पॉल सहित तीन लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से दो और कौन है, तो एक तो विपिन चंद्र पॉल खुद ही हो गए, और बचे हुए कौन है, एक बाल गंगाधर तिलक हो गए और एक लाला लाजपत राय, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, तो जानते रहेगा अंतरिक्ष पर्यटन का जो मतलब होता है, अब देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, या ऑप्शन है छुट्टी मनाने लेकिन अंतरिक्ष यात्रा, ऑप्शन सी में है केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना, ऑप्शन डी में है मंगल ग्रह तक पहुंचना, तो जानते रहेगा अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष जो पर्यटन का मतलब होता है वो होता है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा को हम बोलते हैं अंतरिक्ष पर्यटन, और यह है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखें कि अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब होता है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। फिर ये आ जाएंगे 23 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आया है कि एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो जानते रहेगा एक्सोबायोलॉजी जो है ये संबंधित है व्यक्ति और सॉरी यहाँ बाह्य अंतरिक्ष के जीवन में, जानते रहेगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन है या नहीं है, इसकी जो खोज या जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें की जाती हैं वो बायो जो आता है बायो जो है एक्सोबायोलॉजी में से किया जाता है, तो ये एक्सोबायोलॉजी का जो संबंध है वो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है, और बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे 24 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, तो जो गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है ये जो वार्षिक पुरस्कार मतलब किसको दिया जाता है, केवल व्यक्ति को दिया जाता है या केवल संस्थाओं को दिया जाता है, या व्यक्ति और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है, या फिर संस्थाओं के समूहों को दिया जाता है, तो जानते रहेगा गांधी शांति पुरस्कार जो कि ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है ये व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को ही दिया जाता है, जो भी यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर संस्था हो दोनों के लिए दिया जाता है, दोनों की बात आई ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है गांधी शांति पुरस्कार जो वार्षिक पुरस्कार है ये दिया जाता है व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है। फिर आ जाएंगे 25 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, तो प्रोस्टेट क्या है, तो जानते रहेगा मानव शरीर में प्रोस्टेट जो होता है ये एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है। फिर क्या आ जाएंगे 26 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र
के निकट स्थित है। तो कह रहे हैं महाभारत में जो उल्लिखित है कुरुक्षेत्र जो है, कह रहे हैं ये नामक जो प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था ये किसके नज़दीक स्थित है। तो जानते रहिएगा महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध जो क्षेत्र है ये स्थित है अंबाला शहर के निकट। और अंबाला शहर की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है ये निकट स्थित है किसके है, अंबाला शहर के। और अंबाला शहर आया ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहेगी, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाले वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो अगर कोई इंसान केवल नज़दीक में होने वाली वस्तु को देख पाए, दूर की ना देख पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या उसको दूरदृष्टि दोष है या है, या फिर दृष्टि वैमनस्य है, वैषम्य है, या फिर निकट दृष्टि दोष है, या फिर दृष्टिपटल विकृति है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे। तो जानते रहेगा किसी भी, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक में होने वाली वस्तु को ही देख पाता है तो इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है सी में, हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो जानते रहिएगा सबसे पहले डीएनए को जिन्होंने अलग किया था वो थे फेडरिक मी एक्वेयर। तो फेडरिक मी एक्वेयर कहाँ है, स्क्वायर आया है, तो फेडरिक मी एक्सक्वायर आया है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सबसे पहले डीएनए को अलग जिन्होंने किया था वो कौन है, वो हैं आए हैं फेडरिक मी एक्सक्वायर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिखर, तो गुरु शिखर क्या है। तो जानते रहे गुरु शिखर जो है ये एक अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब अरावली जो पहाड़ी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और ये अरावली की देखिए ऊंची चोटी की बात आई है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गुरु शिखर जो है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टाइन विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो जानते रहेगा आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं इसको सबसे पहले जिस वर्ष प्रस्तावित किया गया था वो वर्ष था 1905। और 1905 देखिए 1905 आया है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं इसको सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया था वो किया गया था 1905 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर ठीक आ जाएंगे 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। इसका मतलब इसमें जो चार बातें बोली गई हैं उसमें से तीन सही हैं कोई एक गलत है, तो कौन सी बात गलत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, देखिए उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है कि सीवी रमन जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको ये याद रखना है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर सीवी रमन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो किया गया था 1954 में। फिर देखिए नेक्स्ट है, उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1930 में सर सीवी रमन जो थे, जो डॉक्टर सीवी रमन जो थे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन इस तरह घुमाकर भी आ सकता है कि सर सीवी रमन को कब जो है किस सन में या कब जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हमारा आंसर होगा 1930 में। फिर देखिए आया है, उनका जन्म 1988 को तमिलनाडु में हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है कि सर सीवी रमन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1988 में ही हुआ था। और इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो कह रहा था कौन सा गलत है वो कौन है, उन्होंने उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये हमारा ऑप्शन क्या है गलत है, इन्होंने इनको 1987 में नाइट की उपाधि नहीं मिली थी इसलिए, या इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो हमारा यही तीनों ऑप्शन शुरू के सही है, यहाँ कह रहा था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो गलत हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत आंसर बताना था, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि
तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जानते रहेगा तमिलनाडु और श्रीलंका में जो सामान्यतः बोले जाने वाली जो भाषा है वो भाषा है तमिल। और तमिल देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः जो भाषा बोली जाती है, जो दोनों जगह बोली जाती हैं, वो है तमिल। और तमिल ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आया है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो जानते रहेगा लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है ये शरद पवार जो पवार जी हैं इनकी आत्मकथा है। शरद पवार देखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखेंगे लाइफ ऑन माई टर्म्स जो आत्मकथा है ये शरद पवार जी की आत्मकथा है। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया था? तो जानते रहेगा इसका जो सही आंसर होगा, इसमें देखिए बहुत ढेर सारी चीज़ें दी गई, बस इसमें हम सही आंसर की बात करेंगे। तो सही हमारा जो आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर जो सी आया है। आपको सी नंबर पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जो प्रवासी जो भारतीय जो दिवस जो है इसका जो मतलब है और ये कब शुरू किया गया था। तो 19 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से, मतलब ये 9 जनवरी 2003 जो आया है का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में, और 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। तो ये इनके स्मरण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 9 जनवरी 2003 का जो दिन था, इस दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने और 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। अब देखिए ऐसा मत सोच लीजिएगा कि यहाँ 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस आए थे, नहीं, ये कह रहे हैं कि 9 जनवरी 2003 का दिन जो है ना, ये जो दिन है हम क्यों मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से ये वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से वो जो आए थे वो 9 जनवरी 2015 को बंबई वापस आते हैं, और को हटा देंगे, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मनाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा, हम सी नंबर को राइट आंसर मान लेंगे। फिर ठीक आ जाएंगे 35 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध वीरूमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जानते रहेगा प्रसिद्ध जो वीरूमाला जो मंदिर है ये है स्थिर है, याद रखिएगा, वेंकटात्री में। और वेंकटात्री दिखाया है, यहाँ वेंकटात्री होना चाहिए था, वेंकटात्री यहाँ बे अब्बा नहीं वह होना चाहिए था, वेंकटात्री में है। और वेंकटात्री के बाद दिखाया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध वीरूमाला जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वेंकटाद्री में, तो वेंकटाद्री होना चाहिए। तो चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे वेंकटाद्री, तो यहाँ पर वेंकटाद्री हो जाएगा। यहाँ पेन में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक लग रही है, चलिए यहाँ वेंकटाद्री वेंकटाद्री में इस पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। फिर ठीक आ जाएंगे 36 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? आई रिपीट, ये देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ स्टेटमेंट आया है कि ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो जानते रहिएगा ये शब्द कहे गए हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, और महात्मा गांधी जी देखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो जानते रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे जो परियोजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी जुलाई 2014 में, और जुलाई 2014 देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना जो शुरू की गई थी वो जुलाई 2014 में की गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता और शांख सिद्धांत के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे ये सब नाम दिए गए हैं, ये पुस्तक का नाम समझ लीजिए आप है कि पंच सिद्धांतिका हो गया, वृहत संहिता हो गया और शांख सिद्धांत, कह रहे हैं ये तीनों के ही लेखक कौन है? तो
तो जानते रहेगा पंच सिद्धांति का जो वृहद संहिता है और सांख्य सिद्धांति का के जो लेखक हैं वह है वराह मिहिर, और वराह मिहिर दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पंच सिद्धांत का और वृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के जो लेखक हैं वो कौन हैं, वो हैं वराह मिहिर। और याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वराह मिहिर जो है किसके शासनकाल में थे, या फिर उन किसके शासनकाल में ये थे, या किसके राज्यकाल में ये थे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जानते रहिएगा ये गुप्त काल में आपको याद रखना है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री मतलब ज्योतिषाचार्य ये थे, ये आपको याद रखना है कि जिसे पंचशील सिद्धांति का बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, वो वराह मिहिर हैं। और वराह मिहिर जो है किसके शासनकाल में थे, ये गुप्त काल जो राजाओं के शासनकाल में थे। और ये याद रखना है कि गुप्त काल के समय गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री ये माने जाते थे, और जिन्हें ज्योतिषाचार्य भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 39 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में अस्थाई चुंबकी की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो जानते रहेगा देखिए ऑप्शन क्या है, निकल लोहा एल्यूमिनियम और चुंबक पत्थर। तो जानते रहे क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो जिसमें अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है वह है चुंबक पत्थर, और चुंबक पत्थर दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण इसमें नहीं होते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। इसका मतलब कर्नाटक का कोई एक जिला है जिसमें रोज काम करने के लिए जैसे हम आप हिंदी या किसी दूसरी भाषा में अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसे वहाँ के लोग संस्कृत में बात करते हैं। तो जानते रहिएगा कर्नाटक का शिवमोगा जिला का वह गांव जहां रोजमर्रा की बात भी संस्कृत भाषा की उपयोग के माध्यम से की जाती है वो है मत्तूर, और मत्तूर आया है देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तुम्हारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले का वह गांव जहां रोज प्रतिदिन की बातें जो नॉर्मल इंसान एक दूसरे से बात करता है उस बात में लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं, वो गाँव कौन सा है, मत्तूर है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 41 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेलियोडोसिस जो है क्या है। तो जानते रहिएगा मेलियोडोसिस जो है ना ये आपका संक्रामक रोग है, और संक्रामक रोग दिखे है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो मेलियोडोसिस है ये एक संक्रामक रोग है। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूगणित क्या है। तो जो भूगणित होता है ये क्या है, तो जानते रहिएगा जो भूगणित होता है ये है आपका गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित, मतलब कि गणित की वो शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित होती है उसे हम कहते हैं भू गणित। तो इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भूगणित जो होता है उसमें हम गणित की वह शाखा या प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित अध्ययन किया जाता है, इसमें ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 43 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, यह गणतंत्र का मतलब क्या है, मतलब भारत एक गणतंत्र है तो यहाँ गणतंत्र का मतलब क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है शासक राजा या रानी होता है, ऑप्शन बी में है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, या ऑप्शन सी में है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, या फिर ऑप्शन वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये इसको गणतंत्र कहते हैं। तो जानते रहिएगा भारत एक गणतंत्र है, इसका जो मतलब होता है उसका मतलब ये है कि भारत जो है ना राज्य का प्रमुख होगा उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा, इसका जो मतलब होता है वो होता है गणतंत्र। इसका मतलब आसान से शब्दों में बोले तो भारत का जो भी राज्य या जो भी राष्ट्र का जो नेता या जो प्रमुख होगा उसको लोगों के द्वारा चुना जाना ही गणतंत्र कहलाएगा। गणतंत्र हम कहें बात ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक। फिर देखिए आ जाएंगे यहां पे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेराकोटा आर्मी जो है, तो कह रहा है कि टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। तो जानते रहिएगा टेराकोटा आर्मी जो टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है उस जिस देश के सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है वो देश है चाइना, और चाइना देखिए बात आया है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है जो
चीन की देश की जो है सम्राट के जो पहले सम्राट की सेना को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को द्वारा तैयार, मतलब किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये कहना है कि नई दिल्ली में जो स्थित है भारतीय संसद भवन जो है की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था, को द्वारा नहीं यहाँ होगा, किसके द्वारा तैयार किया गया था। जान रहेगा भारतीय संसद भवन की जो रचना है ये जिसके द्वारा तैयार किया गया था वो थे, याद रखिएगा, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, जो कि आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आए हैं। तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को जिसके द्वारा तैयार किया गया था वो कौन थे, वो थे सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। तो इसलिए हमारे यहाँ ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आज हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे 45 नंबर यहाँ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो मे भी यहाँ वन बाई वन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज की तरह रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।